आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, आदरणीय श्री हरिभाव बोरिकर जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री पुष्पेन्द्र कुलशेष जी, सुप्रसिद्ध इतिहासकार आदरणीय नामदेव राव जाधव जी, सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार लवटे जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, और अभी इसका सुंदर संचालन कर रहे प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा जी, प्रोफेसर शीला मिश्रा जी, डॉक्टर संजय शुक्ला जी, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार भाई उमेश पाटिल जी और उनकी पूरी टीम। मैं सबसे पहले आप सबको आज बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मुगलों और दक्षिण भारत की आदिलशाही सरकार के दमन और अत्याचार के विरुद्ध हिंदू समाज के प्रतिरोध, पराक्रम, शौर्य, संगठन क्षमता और धार्मिक उदारता के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव है, और मराठी समाज के इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। मित्रों, आज से 3.5 सदी पहले, जब स्वराज का शब्द जनमानस में नहीं था, उस वक्त स्वराज की कल्पना करने वाले, हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी के हम आजीवन ऋणी रहेंगे। मित्रों, हिंदवी स्वराज की वास्तविकता ने ही अंग्रेजों के समय में भारत की महान विभूति लोकमान तिलक को प्रेरित किया, और उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसकी घोषणा की, और वही अवधारणा लेके पीढ़ियों बाद भारत में आजादी का आंदोलन चला, उसी स्वराज की अवधारणा जो छत्रपति शिवाजी ने 3.5 सदी पहले प्रस्तुत की थी, और आज हम उसी के फलस्वरूप खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मित्रों, पूरा राष्ट्र आज छत्रपति शिवाजी को नमन कर रहा है। छत्रपति शिवाजी ने उस वक्त मुगल सल्तनत को चुनौती देने के लिए समाज के दबे, पिछले, कुचले लोगों को इकट्ठा करके, उनको प्रेरित करके, उनको शिक्षित करके, ट्रेन करके, और उस मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध करने के लिए मैदान में उतारा, और मुगल साम्राज्य को दांतों चने दबाने पड़े। हम उनकी इस कल्पना को अगर कहीं से जोड़ते हैं तो प्रभु श्री राम से। प्रभु श्री राम ने भी वानरों को इकट्ठा करके और रावण को परास्त किया था। मित्रों, छत्रपति शिवाजी आज हमारे पूरे राष्ट्र के प्रेरणा के स्रोत हैं, और मैं उमेश पाटिल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं कि ये प्रतिवर्ष यहां एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं हमको याद दिलाने के लिए। और इस कार्यक्रम की छटा देख के, ऐसी भव्यता देख के मन हर्षित हो जाता है।